नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। उत्तर प्रदेश के बागपत से बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह का बेरोजगारी को लेकर एक अजीबोगरीब बयान सामने आया है। बीजेपी सांसद ने कहा कि बागपत में अभी भी युवाओं के हाथ में कट्टे यानी देसी तमंचे हैं जो वो लेकर चलते हैं, और इसी कारण बाहर के उद्योगपति जनपद में नहीं आ पाते। जिस दिन देसी कट्टे लेकर घूमना बंद कर देंगे, उस दिन बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी और उद्योगपति आना शुरू होंगे। अपने इस बयान के जरिए बीजेपी सांसद ने बागपत की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। सांसद सत्यपाल सिंह ने कहा कि बागपत में युवक पढ़ने लिखने के बाद भी हाथ में कट्टे लेकर घूम रहे हैं। एसपी और पूर्व डीएम को भी वो कट्टों की गुंडागर्दी से अवगत करा चुके हैं। जब भी बागपत के व्यापार बढ़ाने के लिए व्यापारियों से बात होती है तो वो व्यापारी बागपत में आने को तैयार नहीं। व्यापारी बागपत की गुंडागर्दी से डरे हुए हैं। इसके साथ ही डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने अपील करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों और परिजनों को जनपद के बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए ताकि वो ऐसी संगत से दूर रहें और जनपद में रोजगार स्थापित हो सके और बागपत बेरोजगारी मुक्त हो सके। सत्यपाल सिंह बागपत कलेक्ट्रेट स्थित लोक मंच से आयोजित किए जा रहे यूपी दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूम में पहुंचे थे। मंच से उन्होंने बागपत की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए एसपी बागपत को कानून व्यवस्था में फैल होने की ओर अपनी बातों में इशारा किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।